हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सीटेट की परीक्षा बेहद करीब है, अब से आपके लिए मैं से प्रैक्टिस पार्ट में लेकर आया हूं। तो इस सेशन में आज प्रैक्टिस सेट वन पहला यहां पर हम देखने जा रहे हैं कुछ प्रश्न, सेलेक्टेड प्रश्न जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ऐसे प्रश्न जो कहीं ना कहीं जिससे मिलते जुलते प्रश्न आपके परीक्षा में अभी तक बनते रहे हैं, उन प्रश्नों पर एक संक्षिप्त नज़र डालते चलें। और इन प्रश्नों को हल करने के साथ साथ जहां पर थोड़े बहुत थ्योरी है उस थ्योरी को भी मैं ओपन करता हुआ चलूंगा। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत मैं करता हूं। आप यहां से प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने अभी फिलहाल मैंने चार प्रश्न यहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निर्देशों का अनुक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। प्रश्न एक बार फिर से पढ़ें। प्राथमिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा, अवधारणा मीन्स होता है कॉन्सेप्ट। प्राथमिक कक्षा में गणित के कॉन्सेप्ट को हमें समझाना है, बताना है, या गणितीय कॉन्सेप्ट का हमें बालकों में विकास कराना है, तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। उस निर्देश का अनुक्रम, अनुक्रम मीन्स होता है सीक्वेंस, निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार करें, मतलब स्टेटमेंट को हम ऐसे किस प्रकार से रखें ताकि बालक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके। अब यहां पर पहला लिखा है चित्र बनाना, दूसरा लिखा है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, तीसरा लिखा है अनुभव प्रदान करना, और चौथा लिखा है भाषा के माध्यम से समझाना। अब ये ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इन स्टेटमेंट्स का, इन निर्देश का हमें सही सीक्वेंस रखना है, कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न जो है आप यहां से समझिए, बेहतर समझ सकेंगे। कक्षा कक्ष में गणितीय अवधारणा को कैसे विकसित करें, इस संदर्भ में एक मशहूर लेखिका जिनका नाम है पैमिला लीबेक, ध्यान देना, एक मशहूर लेखिका इनका नाम है पैमिला लीबेक, इन्होंने अपनी पुस्तक हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, गणित कैसे पढ़ाया जाए, इनकी पुस्तक हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, चलिए मैं मैथ्स लिख देता हूं, इसमें इन्होंने जिक्र किया कि प्राथमिक कक्षाओं में जैसे हम बालक को गणित पढ़ा रहे हैं तो किस माध्यम से होकर पढ़ाए कि बालक आसानी से कॉन्सेप्ट को समझ सके, सीख सके। इसके लिए इन्होंने एक सीक्वेंस दिया, उस सीक्वेंस को हम एल्पस सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। एक इन्होंने सीक्वेंस दिया, इस सीक्वेंस को हम जानते हैं किस नाम से, एल्पस सीक्वेंस। तो इन्होंने बताया कि बालकों को गणित को, जब गणितीय कॉन्सेप्ट को हम बताएं तो इस सीक्वेंस से होकर बताएं। यहां पर प्रत्येक लेटर का अपना कुछ मीनिंग है, कुछ सेंस है, वो सेंस हम देखते हैं। जैसे ई सेंस यहां पे बता रहा है एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, पहले मैं पूरा थ्योरी लिख दे रहा हूं फिर इस थ्योरी को समझा देता हूं। एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, इसके बाद इन्होंने एल जो सेंस दिया था लेटर में, एल्पस सीक्वेंस, एल का मतलब होता है लैंग्वेज, दैट डिस्क्राइब लैंग्वेज, दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस। इसके बाद पी सेंस होता है पिक्चर, दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस। आगे एस सेंस है सिंबल, दैट इंडिकेट दैट एक्सपीरियंस। चलिए अब समझ लेते हैं इस थ्योरी को। तो पैमिला लीबेक एक मशहूर लेखिका, इनकी पुस्तक थी हाउ टू टीच मैथमेटिक्स, गणित कैसे पढ़ाया जाए प्राथमिक स्तर के बालकों को ताकि वो कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सके।
इस संदर्भ में इन्होंने एल्पस सीक्वेंस का जिक्र किया कि बालकों को जब भी पढ़ाएं इस सीक्वेंस से होकर पढ़ाएं, जहां पे ई सेंस है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, विथ मीन्स होता है के साथ, अनुभव किसके साथ, फिजिकल ऑब्जेक्ट साकार वस्तु। इन्होंने बताया कि जब बालकों को गणित पढ़ाएं तो पहले सबसे पहले हम साकार वस्तुओं के साथ अनुभव कराएं, साकार वस्तु जिसे बालक देखकर समझ सके, साकार जिसका कुछ आकार हो। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहले साकार वस्तुओं के साथ अनुभव कराएं। तो अब देखिए साकार वस्तु के साथ अनुभव, अनुभव सेंस कहां पर है ध्यान देना, चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, अनुभव प्रदान करना। तो अनुभव सबसे पहले तीसरा पार्ट आ रहा है, एक्सपीरियंस मीन्स होता है अनुभव, विथ मीन्स के साथ, फिजिकल ऑब्जेक्ट साकार वस्तु। बालकों को जब भी गणित की कोई कॉन्सेप्ट बताई जाए तो सबसे पहले साकार वस्तुओं के साथ बालकों को अवगत कराए, ताकि बालक उसे देखे फिर समझने का प्रयास करे, क्योंकि बालक देखकर पार्ट को जल्दी समझते हैं या सीखते हैं। फिर एल सेंस है, एल मीन्स लैंग्वेज, लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब, भाषा, दैट मीन्स होता है जो कि, डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करे, फिर भाषा का प्रयोग करे जो कि वर्णन करे किसका, दैट एक्सपीरियंस उस अनुभव का। पहले बालकों को साकार वस्तु दिखाया जाए ताकि बालक उसे देखे और समझे, और उसके बाद अध्यापक को क्या करना चाहिए, एक भाषा, ऐसी भाषा प्रस्तुत करे जो उस अनुभव के बारे में बतलाए। मतलब इसके बाद लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए ई एक्सपीरियंस। अब भाषा देखिए कहां पे है, पहला लिखा है चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिदिन प्रतिनिधित्व का प्रयोग करना, अनुभव प्रदान करना, भाषा के माध्यम से समझाना। तो ये भाषा चौथे पर है, पहले तीन के बाद कौन सा सीक्वेंस आना चाहिए, चार। इसके बाद इन्होंने बताया कि पी सेंस पिक्चर, फिर उसके बाद चित्र दिखाया जाए, दैट मीन्स जो कि रिप्रेजेंट व्यक्त करे, फिर चित्र दिखाया जाए जो कि व्यक्त करे उस अनुभव का। अब चित्र, चित्र कहां पे है, पहले में चित्र बनाना। तो पहले तीन, फिर चार, फिर पहला आएगा। अब यस सेंस होता है सिंबल, चिन्ह, दैट इंडिकेट जो कि दिखाए, दर्शाए उस अनुभव का। तो अब चिन्ह का सेंस, सिंबल का सेंस प्रतीक से है, चिन्ह से है। तो यहां पे प्रतीकात्मक मतलब चिन्ह का प्रतिनिधित्व का प्रयोग करें। तो अब हमारा सीक्वेंस आएगा दूसरा। तो देखिए अब तीन चार एक दो का सीक्वेंस कहां मिल रहा है, तीन चार एक दो, ये हमें पहले वाले में ही मिल रहा है। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये थ्योरी आप थोड़ा सा ध्यान देना, समझ लेना, क्योंकि इनसे प्रश्न एक नहीं कई बने हैं। अब हालांकि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस इनका केवल सीक्वेंस मैंने दिया, आप इसे माइंड में रखिएगा। एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, ई सेंस होता है एक्सपीरियंस, विथ मीन्स के साथ, फिजिकल ऑब्जेक्ट साकार वस्तुओं के साथ अनुभव कराया जाए। फिर यल मीन्स भाषा का प्रयोग करे जो कि वर्णन करे, डिस्क्राइब करे उस अनुभव का। फिर पी सेंस होता है पिक्चर, दैट रिप्रेजेंट जो कि व्यक्त करे उस अनुभव का। और लास्ट में सिंबल, साइन, चिन्ह जिसे हम कहते हैं प्रतीक का प्रयोग करे जो कि उस अनुभव के बारे में बतलाए। तो आपने इस सेक्शन को समझा, ये पहला प्रश्न था। चलिए अब हम फोकस करते हैं दूसरे प्रश्न पर। चलिए ये ऊपर वाला प्रश्न मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए इसमें दूसरा प्रश्न ये है कि गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है, ये दूसरा प्रश्न है। ऑप्शन दिया है, पहला सत्रांत परीक्षा के लिए योजना बनाना, इसका मतलब समझ रहे हैं, सत्रांत मतलब होता है सत्र के अंत में, साल के अंत में, सत्र के अंत में परीक्षा के लिए योजना बनाना, ये उद्देश्य है। या बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, या फिर अभिभावकों को फीडबैक देना, डी लिखा है प्रगति पत्र को भरना। तो पहले निदानात्मक का सेंस समझिएगा। आप एक टॉपिक पढ़े हैं डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है।
निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक शब्द एक डायग्नोस शब्द से बना हुआ है। पहले तो आप यहां से देखें, डायग्नोस्टिक शब्द का प्रयोग आप बराबर देखते रहे हैं, कहां होता है? चिकित्सा के क्षेत्र में आप देखते हैं, जहां पे सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, वहां पर लिखा होता है डायग्नोस्टिक सेंटर, लिखा होता है कि नहीं? तो डायग्नोस्टिक सेंटर का मतलब होता है निदान केंद्र। अब बताइए, क्या वहां पर इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है? नहीं, वहां पर केवल रोग के कमियों का पता लगाया जाता है। डायग्नोस्टिक सेंटर जो होता है, निदान केंद्र जो होता है, वहां पर केवल रोग के कमियों का पता लगाया जाता है, देखा जाता है कौन सा रोग है। तो जिस प्रकार डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करने से पूर्व उसके रोग के कारणों को जानने का प्रयास करता है, और जब रोग के कारणों का पता लग जाता है तो उस रोग को दूर करने के लिए वो जो दवाएं देता है, प्रिस्क्रिप्शन, सलाह देता है, ये सब उपचार में आता है। तो निदान का जो शब्द है, यह डायग्नोस्टिक सेंस जो है, ये डायग्नोस शब्द से बना है। इस शब्द का प्रयोग मूलतः चिकित्सा क्षेत्र में होता है, जिसका सेंस होता है कमियों का पता लगाना। तो जिस तरीके से डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करने से पूर्व पहले उसके रोग के कमियों का पता लगाता है, ठीक उसी प्रकार एक अध्यापक बच्चों के द्वारा गणित क्षेत्र में जो त्रुटियां की जाती है, उस त्रुटियों का जो पता लगाता है, उसे ही निदान की प्रक्रिया कहते हैं। निदान की प्रक्रिया का मतलब होता है कमी का पता लगाना। तो आप समझ गए होंगे यहां पर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। निदान सेंस माइंड में रखना, कमी का पता लगाना। पहला लिखा है, देखिए, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? सत्रांत परीक्षा के लिए, सत्र के अंत की जो परीक्षा है उसके लिए योजना बनाना? नहीं, वहां पर ये उद्देश्य तो है नहीं। यहां से तो पता चलेगा नहीं कि बालक गणित में कहां त्रुटि कर रहा है, कैसे त्रुटि कर रहा है, वहां तो कमी पता चलेगा नहीं। तो परीक्षा के लिए योजना बनाना ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। बी लिखा है, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, आप समझ गए होंगे यही सही है। इसका मतलब यह है कि बच्चे जिस कॉन्सेप्ट या अवधारणा को नहीं समझ सके हैं, तो क्यों नहीं समझ सके हैं, उनकी कमी क्या है, उस कमी के क्षेत्र का पहचान करना। बच्चों की जो समझ है अधिगम के दौरान, सीखने के दौरान, कमी के क्षेत्र का पता लगाना, मतलब बच्चों की समझ में निहित रिक्ति को जानना, यही सही है। सी ऑप्शन इसलिए गलत है, लिखा है अभिभावकों को फीडबैक देना कि आपका बच्चा इतना ठीक है, इतना है ना कमजोर है, ये तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है नहीं। तो अभिभावकों को फीडबैक देना ये तो वैसे ही गलत है, हालांकि सही आपको मिल गया है। और एक है प्रगति पत्र को भरना, प्रगति पत्र, मार्कशीट वगैरह को भरना, यहां भी कमी का पता नहीं, ये हमारा सेंस बी होगा। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, आप समझ गए, यहां पे बी ऑप्शन लिया जाएगा। चलिए एक तीसरे प्रश्न पर हम विचार करते हैं। चलिए यहां पर चौथा प्रश्न यह था, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के विचार का सही क्रम क्या होगा। चलिए यह हमारा एक तीसरा प्रश्न था। देखिए, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए जो विचारों का सही क्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। चार ऑप्शन आपके पास है। पहला लिखा है मानसिक चित्रण। चलिए पहले तो आप यह समझना, यह प्रश्न थ्योरी के किस हिस्से का है। ज्यामितीय समझ, बालक को ज्योमेट्रिकल थिंकिंग को हमें प्रूव करना है, तो बालकों में जो ज्यामितीय समझ है उसका विकास किस अनुक्रम में होना चाहिए। अब ये थ्योरी वेन हीले का है, ध्यान देना। वेन हीले, आपने वेन हीले का ज्यामिति विचार पढ़ा हुआ है,
देखिए वेन हिले का ज्यामितीय विचार क्या है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। वेन हिले का ज्यामितीय विचार, वैसे वेन हिले जो है डच के एक ज्ञाता है गणित के क्षेत्र में। ये पेयर पति पत्नी दंपत्ति, पियरी हिले और वेन हिले, इनका ये मिला जुला एक थ्योरी है ज्यामितीय विचार को लेकर। तो वेन हिले का ज्यामितीय विचार मुख्य पांच पद से होकर जाता है, हालांकि लेवल चार है पद पांच है। इनका जो देखिए हमने बताया पद पांच है, एक दो तीन चार पांच, लेकिन यहां से जो लेवल है वो चार है। तो वेन हिले का जो ज्यामितीय विचार का पहला पद है वो है चाक्षुषीकरण, जिसे हम कहते हैं मानसिक चित्रण। इंग्लिश सेंस में हम इसे विजुअलाइजेशन होता है। ये लेवल जीरो होता है। ये लेवल कौन सा होता है? जीरो। और वेन हिले के ज्यामितीय विचार का जो दूसरा पद है वो है विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण है, एनालिसिस, ये लेवल एनालिसिस, ये है लेवल पहला। अब इसके बाद हम बात करते हैं अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन, इनफॉर्मल डिडक्शन, इनफॉर्मल डिडक्शन, ये है लेवल दूसरा। और इसके बाद आता है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल डिडक्शन, ये होता है लेवल तीसरा। और एक होता है सेंस दृढ़ता, रिगर, यह है लेवल चौथा। तो वेन हिले का जो ज्यामितीय विचार है, इन्होंने पांच पद में मुख्य चार लेवल की चर्चा की। जो पहला पद है लेवल जीरो के नाम से जाना जाता है, दूसरा पद लेवल पहला, फिर तीसरा पद लेवल दूसरा, इस तरीके से लेवल चार तक है। अब यहां से वेन हिले के ज्यामितीय विचार की थ्योरी जो है वो थोड़ी सी लंबी है, मैं एक क्लास आगे इस पर कर लूंगा। एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से वेन हिले के ज्यामितीय विचार में आपके सीटेट परीक्षाओं में प्रश्न बनते रहे हैं। तो एक पूरा मैं थ्योरी लेके इसमें बताऊंगा कि वेन हिले के ज्यामितीय विचार में हर स्टेप में क्या क्या बातें की गई हैं, और इस थ्योरी को मैं पूरा ओपन करूंगा। एक लेक्चर इस पर मैं संपूर्ण वीडियो बना दूंगा, ताकि इसके अंदर से यदि प्रश्न बने तो आप आसानी से समझ सकें। हालांकि यहाँ पे हमें केवल पद का मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं ज्यामितीय समझ को विकसित करने के विचार का जो सही अनुक्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अब पहला ऑप्शन देखिए, मानसिक चित्रण, हाँ मानसिक चित्रण है। फिर औपचारिक निगमन, नहीं, मानसिक चित्रण के बाद औपचारिक निगमन तो आपके चौथे लेवल पर है, मतलब हमारा ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए, मानसिक चित्रण ये तो पहला मिल रहा है, फिर विश्लेषण, हाँ विश्लेषण है, फिर अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन है, और फिर औपचारिक निगमन ये है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, बाकी सी और डी का भी जो सीक्वेंस है, अनुक्रम है, वो गलत है। तो आप समझ गए हैं यहां पर हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा। तो चलिए, अच्छा ध्यान देना, कहीं ये तो नहीं सोच रहे हैं, चलिए मैं एक संक्षिप्त चर्चा इस पर कर दे रहा हूं। मानसिक चित्र में क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना। वेन हिले ने बच्चों पर जब ज्यामितीय सेंस को लेकर जब शोध किया, तो इन्होंने बताया, देखिए दो बातें हैं। जब बालक ज्यामितीय धारणा को नहीं जानता, बालक ज्यामितीय के संदर्भ में कुछ नहीं जानता, तो जब वो कोई ऐसी आकृति देखता है तब उसे घर की वस्तु से कंपेयर करता है। जैसे मान लिया उसने एक सर्किल देखा, अभी बालक वेन हिले के ज्यामितीय विचार में नहीं है, तब इसे सर्किल ना पढ़ के कुछ और पढ़ता है, घर की वस्तु से रिलेटेड कोई कंपेयर कराता है। जैसे उसने रोटी पढ़ लिया कि ये तो रोटी जैसा दिख रहा है, या उसने जब ये आयत देखा तो आयत ना पढ़ के उसे ये पढ़ता है कि ये तो घर का दरवाजा जैसा दिख रहा है।
मतलब बालक जब बेन हिले के जामते विकास चरण में नहीं होता है तो वो विभिन्न आकृतियों को घर की वस्तु या पास पड़ोस में जो वस्तु वो देखता है उससे कंपेयर करता है। लेकिन जब बालक बेन हिले के जामते विकास में जब प्रवेश करता है तो ये जो चाक्षुषीकरण या मानसिक चित्रण है उसमें क्या होता है, बालक विभिन्न आकृतियों को देखता है, वर्णित और वर्गीकृत करता है। विजुअल मीन्स होता है देखना। तो इसमें जो बालकों में जो एक स्किल डेवलप होती है इस जीरो लेवल में, वो इस जो स्किल होती है वो विभिन्न आकृतियों को देखता है और वर्णित और वर्गीकृत करता है। वर्णित मतलब समझ है ना, मतलब विभिन्न आकृतियों के नाम जानता है, उनका वर्णन करना समझ जाता है। जैसे अब बालक जब ये देखेगा तो इसे रोटी वगैरह नहीं बल्कि इसे पढ़ेगा ये तो वृत्त है, और जब इसे देखेगा तो रेक्टेंगल है, आयत है, मतलब यहाँ पे विभिन्न आकृतियों को वर्णित और वर्गीकृत करता है। और जो विश्लेषण है ये जो लेवल पहला है इसमें एक और स्किल डेवलप होती है, वो होती है ड्राइविंग स्किल। बालक यहां पर विभिन्न आकृतियों को देखता है, वर्णित और वर्गीकृत तो यहीं पर कर लेता था, अब वो विभिन्न आकृतियों का चित्र भी बना लेता है। लेकिन ध्यान देना, विभिन्न आकृतियों को वर्णित और वर्गीकृत तो कर ही लेता है, एक स्किल और डेवलप होती है चित्र बनाने की, वो चित्र भी बना लेता है लेकिन उसमें संबंध या समानता स्थापित नहीं कर पाता है। जैसे हम बालक से कहें कि समचतुर्भुज बनाइए तो समचतुर्भुज बना लेगा, या फिर हमने उससे कहा कि वर्ग बनाइए तो बना लेगा, लेकिन समचतुर्भुज वर्ग में समानता क्या है, असमानता क्या है, इसमें संबंध क्या है, तो वो संबंध वगैरह नहीं बता पाता। यहां पर ये इसके लिए अनौपचारिक निगमन में क्या होता है, इसमें एक स्किल जो डेवलप होती है वर्बल स्किल होती है। बालक देखता है उसको भाषाई आधार पर उसमें समानता या असमानता बता लेता है। जैसे हमने कहा कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या समानता है क्या असमानता है, तो बता लेता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण असमान होते हैं। तो वह बोलकर समानता या असमानता को बतला लेता है, भाषाई आधार पर वो सब कुछ जान जाता है लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता। जैसे हम पूछें कि यहां पर वर्ग के दोनों विकर्ण समकोण पर काटते हैं, समचतुर्भुज में भी दोनों विकर्ण समकोण पर काटते हैं, तो भुजा और विकर्ण में, वर्ग में और समचतुर्भुज में फर्क क्या है, इसे सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध नहीं कर पाता। मतलब बोल के तो बता लेता है लेकिन प्रूफ नहीं कर पाता, और यहां पर प्रूफ भी कर लेता है, सिद्ध कर लेता है। दसवीं कक्षा तक के जो टिपिकल ज्यामिति है इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, दृढ़ता कॉलेज के समय में विकसित होती है जिसका सेंस है कठिन से कठिन। तो इस पर मैं पूरा एक लेक्चर लेके पूरा विधिवत बताऊंगा, ये तो मैंने मोटे तौर पे जो मूल सेंस था वो मैंने बताया, तो अभी थोड़ा सा वेट करिएगा, एक क्लास में इस पर पूरा कर लूंगा। तो आपने इस तीसरे प्रश्न को यहां पर देखा, एक प्रश्न मैं अन्य यहां से लेता हूं। चौथा प्रश्न आप देखें यहां पर लिखा हुआ है, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। संकीर्ण का सेंस होता है प्राथमिक स्तर पर। तो मैं आपको बता दूं, गणित शिक्षण के उद्देश्य को लेकर तीन प्रकार में प्रश्न बनते हैं, ध्यान देना। गणित शिक्षण में जो उद्देश्य है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, इसमें तीन प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं, ध्यान देना। इसमें तीन प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। एक लिखा होता है संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है, या प्राथमिक स्तर पर, यहां पर सेंस होता है उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, और यहां पर प्राथमिक या उच्च स्तर नहीं लगा होता है, यहां पर केवल यह पूछा जाता है कि उद्देश्य क्या है, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान देना, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है,
इस पर तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और तीनों में प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो ये पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, और ए पूछा जाता है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर या संकीर्ण स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है या उच्च स्तर पर। तीनों के जवाब देने के तरीके अलग हैं। यदि आपसे पूछा जाए, केवल यहाँ पे लेवल नहीं लगा होता कि प्राथमिक स्तर है कि उच्च स्तर है, यहाँ पर लेवल नहीं लगा होता, केवल ये पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, सॉरी गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक स्तर नहीं। तो जब आपसे केवल पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहां पर सोच का गणितीकरण, यहां पर ऑप्शन जो आप सेलेक्ट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं के सोच का गणितीकरण करना है, मैथमेटाइजेशन ऑफ थिंकिंग। मतलब बालक तथ्यों को एक बृहद व्यापक रूप से समझें, मतलब उनके सोच का जो नजरिया है वो अपसारी प्रकार का होना चाहिए, वो तथ्यों को एक नहीं बल्कि अलग अलग माध्यमों से समझें और सीखने का प्रयास करें, इसे ही कहते हैं सोच का गणितीकरण। यदि आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर, यहां तो या तो प्राथमिक लगा रहेगा या तो संकीर्ण, तो प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर यदि उद्देश्य पूछे क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसमें लिखा रहेगा माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना, माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना, संख्या संबंधी कौशल और गणितीय संक्रिया का विकास करना है। गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, तो गणितीय संक्रिया के आधारभूत चार संरचनाएं होती हैं। गणितीय संक्रिया की आधारभूत कितनी संरचनाएं होती हैं, चार, कौन कौन से, योग, अंतर, गुणा और। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तब सोच का गणितीकरण नहीं, तब हम ऐसे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें माप तोल की इकाइयों से परिचित कराना, संख्या संबंधी कौशल को विकसित करना या गणितीय संक्रिया का विकास करना, ये प्राथमिक स्तर पर हमारा गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ये होता है। तो अब यहां से देखिए, चलिए अच्छा अभी एक और रह गया है, उच्च स्तर पर यदि उद्देश्य पूछे कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा में उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो परिकलन संबंधी कौशल एवं अमूर्त से मूर्त धारणाओं का विकास। देखिए ये प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य नहीं हो सकता, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में तर्क करने, चिंतन करने की शक्ति उतनी विकसित नहीं होती कि वो अमूर्त धारणा को से मूर्त क्रम में कन्वर्ट कर सके। तो परिकलन संबंधी कौशल और अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास, ये उच्च स्तर पर उद्देश्य होता है। तो चलिए अब बताना हमारा आंसर क्या होना चाहिए। लिखा है एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, मतलब प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य क्या है। अब पहला ऑप्शन देखिए, रैखिक बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। मैं आपको बता दूं, यदि आपसे पूछा जाए कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन दे दिया जाए अंक गणित पढ़ाना, बीज गणित पढ़ाना, रेखा गणित या ज्यामिति पढ़ाना, मैं आपको बता दूं एनसीएफ 2005 गणित के विभिन्न शाखा में पर्टिकुलर किसी शाखा पर फोकस नहीं करता कि छोटा बालक है तो अंक गणित पढ़ाइए, बड़ा है तो रेखा गणित या बीज गणित। ऐसे जब भी प्रश्न आए बीज गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, अंक गणित, आप ऐसे ऑप्शन को निग्लेक्ट करिए। तो यहां पर यह तो उद्देश्य होता नहीं है कि रैखिक बीज गणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा दें। आगे बी लिखा है संख्यात्मक कौशल का विकास, सी बीज गणित। मैंने बताया ना, यदि चाहे स्तर जो भी हो, प्राथमिक हो चाहे उच्च हो,
अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, रेखागणित ऐसे लिखा हो तो आपको उस पर विचार ही नहीं करना, क्योंकि एनसीएफ 2005 गणित की शाखाओं में किसी पर्टिकुलर शाखा पर फोकस करने की बात नहीं करता, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे उच्च हो। तो अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति इन सबको आप निगलेक्ट करना है, जैसे ये और ये। यहाँ पे परिकलन दे दिया है, परिकलन का मतलब होता है कैलकुलेशन में दक्षता, और कैलकुलेशन में दक्षता तभी होगी जब बालक गणितीय संक्रिया गणितीय कॉन्सेप्ट को सीखा और समझा रहेगा। तो परिकलन सेंस उच्च स्तर पर, हालांकि मापन तो है प्राथमिक में, लेकिन ये जो परिकलन शब्द प्रयोग कर दिया ये उच्च स्तर पर होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। हमारा ऑप्शन होगा संख्यात्मक कौशल का विकास। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को नोट किए रहेंगे तो आप ये समझ सकेंगे हमें कैसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कुछ प्रश्न आप में, आज देखिए पहला क्लास था, मैंने केवल ऐसे गूढ़ प्रश्नों को लिया जिस पर हम कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। अब यही आप गेस कर सकते हैं मैंने चार प्रश्नों में इतना समय लगा दिया। यदि हमें केवल ऑप्शन बताना होता कि इसका ए है, इसका बी है, मैं ये चाहता हूँ कि आप जिस प्रश्न को अटेम्प्ट करें आप उसके बारे में थोड़ा समझ लें। ये मेरा पहला सेशन था, पहला क्लास प्रैक्टिस सेट में, तो मैंने थोड़ा समय इसलिए लिया ताकि आप ऑप्शन को भलीभांति सीखें, समझें कौन सा ऑप्शन हमें छोड़ना है तो क्यों छोड़ना है। ये प्रश्न में जैसे ये ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इसका मैंने यहाँ पे प्रमाण दिया। तो चलिए आपको मैं बता दूँ, प्रत्येक दिन प्रैक्टिस पार्ट में लेकर आऊँगा कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ, है ना। जिस प्रकार से प्रश्न संभावित बन सकते हैं या बराबर बनते रहे हैं, जिस टेंडेंसी में बनते रहे हैं, मैंने जिस अभी बेन हिले की थ्योरी की बात की उसे पूरा डीप में बताएंगे, जो मैं कमिटमेंट करूंगा यहाँ पे पूर्ण करूंगा। तो आप नियमित बने रहिए, और यहाँ पर एक संपर्क नंबर लिखा है, थोड़ा कंसल्ट करिए, कंसल्टेट करिएगा 8299310097, और एक है 8953319629। आप संपूर्ण वीडियो को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे सीटेट संबंधी पाठ्यक्रम को लेकर तो संपूर्ण वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, और आपको इस पर जो प्रैक्टिस पार्ट बना हुआ है इस पर मैं इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दूंगा। यहाँ पे सीटेट गणित शिक्षण लिखा हुआ है, तो यदि आप कंप्लीट मैटर चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं या प्रैक्टिस पार्ट चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करें और आपको ये मैटर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो आज की सेशन में रोक रहा हूँ केवल चार प्रश्नों के साथ, अगले क्लास में अच्छे प्रश्न और प्रश्न की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भरपूर मिलेगा। बस एक अंत में ये बात कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट वगैरह या फिर लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा। आज की क्लास बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।